विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड का सियासी पारा हाई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने 6 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी है। मंगलवार को इस घटनाक्रम से कई बातें साफ हो गई, साथ ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध समाप्त हो गया। राज्य में विधानसभा चुनाव 13 नवम्बर और 20 नवम्बर को 2 चरणों में होंगे और मतगणना 23 नवम्बर को होगी। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने रविवार को कहा था कि 12 से कम सीट उन्हें स्वीकार नहीं होंगी और अगर अकेले चुनावी मैदान में उतरना पड़े तो उस स्थिति में भी वह इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पहले से ही तैयारी कर रखी है और हमें पूरा भरोसा है कि आम जनता हमें चुनेगी। हमारे उम्मीदवारों ने भी अपने इलाके में जनता के बीच रहकर कई काम किए हैं और करवाए हैं। इस बार चुनाव में बड़ी जीत का भरोसा है। यहाँ कार्यकर्ता संगठन और जनता के साथ सीधा संपर्क होने से ये संभावना है कि सभी 6 सीटों पर हमारे उम्मीदवार ही जीतेंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि लोगों को सही और झूठ की पहचान होती है। इस बार झारखंड के भविष्य का चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में एक एक सीट महत्वपूर्ण है और हम इंडी गठबंधन के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द वो वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि दुख है कि वो दूसरे दल में है। चंपई सोरेन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वो हमारे गार्जियन थे, अभी भी हैं। दुख तो ज़रूर है जो दूसरे दल में है। उम्मीद करते हैं कि जो वो जल्द ही घर वापस लौट जाएंगे। आपको बता दें कि बसंत सोरेन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी चंपई सोरेन को टिकट दे चुकी है। सरायकेला विधानसभा सीट से उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। अगस्त में जेएमएम से इस्तीफा देते हुए वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनका दावा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं हेमंत सोरेन के भाई ने बीजेपी से जेएमएम में शामिल हुई लुईस मरांडी पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो कल विपक्ष में थी, आज साथ में है। एक दूसरे की कोई ज्यादती दुश्मनी तो नहीं है, जिसको जहां अच्छा लगा उसके साथ हो लिए। वो जिस पार्टी में थी उसके सिद्धांत उनको पसंद नहीं आए और आज वो हमारे साथ है। जरा सुनिए हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए इस बयान में। कहीं नहीं थे, ये एक कॉरम होता है जिसको सबको फेस करना होता है। कल विपक्ष में थी, आज साथ में है। कोई जाति दुश्मनी तो एक दूसरे की है नहीं हम लोगों की। ये तो पार्टी है, ठीक है, जिसको जहाँ अच्छा लगा वो उसके साथ हो लिए। जिनके सिद्धांतों को उन्हें आज उनको अच्छा नहीं है, उनके सिद्धांत को उनको पसंद नहीं है, तो आज हमारे साथ है। काफ़ी लोग हुए हैं और काफ़ी लोग अभी होंगे। देखिए, स्वाभाविक चीज़ है कि मजबूती जरूर आएगी। कोई आ रहे हैं आपके घर में तो स्वागत है उनका और उनसे बल ही मिलता है। देखिए, वो चंपाई सोरेन जी हमारे गार्जियन थे और अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब दुख तो जरूर है कि वो दूसरे दल में है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वापस घर को लौटेंगे वो। कहीं नहीं थे, ये एक कॉरम होता है जिसको सबको फेस करना होता है। कल विपक्ष में थी, आज साथ में है। कोई जाति दुश्मनी तो एक दूसरे की है नहीं हम लोगों की। ये तो पार्टी है, ठीक है, जिसको जहां अच्छा लगा वो उसके साथ हो लिए। जिनके सिद्धांतों को उन्हें आज उनको अच्छा नहीं है, उनके सिद्धांत को उनको पसंद नहीं है, तो आज हमारे साथ है। काफ़ी लोग हुए हैं और काफ़ी लोग अभी होंगे। देखिए, स्वाभाविक चीज़ है कि मजबूती जरूर आएगी। कोई आ रहे हैं आपके घर में तो स्वागत है उनका और उनसे बल ही मिलता है। देखिए, वो चंपाई सोरेन जी हमारे गार्जियन थे और अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब दुख तो जरूर है कि वो दूसरे दल में है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वापस घर को लौटेंगे वो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।